जी ये चंद जुमले हैं, इससे सेंस और फार भी क्लियर हो जाएगा और कुछ ट्रांसलेशन भी है। परिंदे सुबह से चहचहाते रहे, चहचहाना उसकी वो आवाज़ नहीं होती परिंदों की, इसको चहचहाना बोलते हैं, इसको चिरपिंग बोलते हैं। सो द बर्ड्स हैव बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग, ये बर्ड्स है तो हैव बीन आया। अगर ये बर्ड होता, एक परिंदा होता तो फिर हैज बीन आता, तो प्लूरल के साथ हैव बीन आता है। और चहचहाते रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैव बीन चिरपिंग। गॉट इट? मेरा दोस्त 4 साल से फल बेचता रहा है, बेचता, ठीक है, बेच रहा है। सो माई फ्रेंड हैज बीन सेलिंग, ठीक है, अगर भेजना हुआ तो सेंडिंग कर देंगे फिर, मगर ये बेचता है तो दैट्स व्हाई दैट विल बी सेलिंग फ्रूट्स फॉर 4 ईयर्स। अब देखो इसके साथ हैज आया क्योंकि ये फ्रेंड है, एक है, अगर फ्रेंड्स होता तो हैव बीन होता। मैं 2012 से इस मकान में रह रहा हूँ या जिंदगी बसर कर रहा हूँ, सो आई हैव बीन लिविंग या आई हैव बीन लिविंग माई लाइफ इन दिस हाउस सिंस 2012। सिंस 12 के साथ आएगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम जो कि 4 ईयर्स है, इस पे कल भी बात हुई थी, ठीक है, और आई के साथ हैव बीन ही आता है। इधर आए, हाँ इस तरह से सर जी, मेरा अबू 2008 से तिजारत कर रहा है या करता रहा है। माय फादर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। करता रहा है तो हैज बीन डूइंग ट्रेड और बिजनेस सिंस 2008, वो बचपन से लोगों को हंसाता रहा है। अब इधर दो वर्ब है, हंसाना और करना, सो ही हैज बीन मेकिंग पीपल लाफ, ये मेकिंग पीपल लाफ, इधर दो वर्ब आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। सिंस इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ भी सिंस ही आएगा, ही के साथ हैज बीन आता है। बच्चा अपनी माँ के पीछे 2 बजे से भागता रहा, सो द चाइल्ड हैज बीन, चाइल्ड है सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज बीन रनिंग आफ्टर, पीछे भागना हिज मदर अपनी माँ के सिंस 2 o'clock, घड़ी का टाइम जब भी आता है तो ये सिंस ही आएगा, ये फॉर नहीं आ सकता। हाँ अगर 2 घंटे है तो फिर फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, मगर घड़ी का टाइम हो, दिन का कोई वक्त हो तो दैट्स इट, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फार आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सेंस आएगा। अगर आपका कोई सवाल है ट्रांसलेशन में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। अल्लाह हाफिज़।